अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणकम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है चाइनीज़ प्रोडक्ट, जैसे पिछली बार मैं बताया था वो वाला कॉम्बो। कॉम्बो सोचा मैं अगला वीडियो बना लूं, क्योंकि मुझे एक कॉम्बो से काम नहीं चलेगा। तो तकरीबन दो तीन कॉम्बो तो रहना है, जिनको जो ज़रूरत है उस हिसाब से मैं वो बनाना है। तो एक कॉम्बो मेरे पास आया है, तो और दो कॉम्बो उसके साथ में मैं अरेंज करके बहुत जल्द अपलोड करूंगा। और सबसे पहले हैप्पी उगादी, जो फेमस फेस्टिवल है, सो जो हिंदू सिख में सबसे बड़ा होता है। तो हैप्पी उगादी सब लोगों के लिए एडवांस में, क्योंकि ये रात में वीडियो हो रहा है, कल सुबह में अपलोड होगा। जो लोग भी देख रहे हैं तो सबके लिए फेस्टिवल बधाई है। और चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या स्टॉक में आया है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या निकलेगा। तो ओके, तो फर्स्ट में निकला है लैंडिंग नेट। लैंडिंग नेट जो ख़त्म हुआ था, फिर से रीस्टॉक हो चुका है, तो कल आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं लैंडिंग नेट। हाँ, पिछली बार जैसे मैं बोला था बड़ा साइज़, क्योंकि बड़ा साइज़ ही मैं हर बार कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बताता हूँ। जब आप ये लैंडिंग नेट ओपन करते हैं, उस समय इसको टाइट कर लीजिए। टाइट करके उसको फोल्डिंग होने के लिए गैप देना है आपको। अगर गैप नहीं देंगे तो वो कट होने का चांसेस रहेगा। तो ऐसे तो जब आप ओपन करते हैं, आपको यहाँ तक ये गैप रहना है कभी भी, क्योंकि ये लॉक इसके वजह से कट हो जाएगा। तो जब आप लॉक करते हैं तो आपका ये हो गया लैंडिंग नेट। और ओके, चलिए वो सही करना है, वो कर लीजिए आप। तो हाँ, ये हो गया। तो ये देख सकते हैं बिग साइज में आता है, प्लस ये आता है पूरा ओपन लेंथ, शायद 7 फीट में आता है पूरा ओपन लेंथ। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये पूरा ओपन लेंथ है, और बाकी साइज के साथ मैं अपलोड कर दूंगा कैटलॉग में, वहाँ पे देख सकते हैं। और टेलीस्कोपिक टाइप आता है, और जैसे वही मैं बोला, ये थोड़ा आपको बनाना पड़ता है, वो सही से वो टाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है वो सही से आपको टाई करना है वहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे ही ओपन करके बता रहा हूँ, थोड़ा उसमें ये होता है। और साइज़ भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, पूरा साइज़ के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और ज़्यादातर बड़ी मच्छी, ज़्यादातर इसमें तकरीबन 10 किलो की मच्छी तो घुस जाएगी, लेकिन वो वेट कैपेसिटी नहीं संभालेगा, क्योंकि ये पूरा एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। प्लस ये जो लॉक आता है, शायद यहाँ पे वो टूटना चांसेस रहेगा, तो हमें इसे बचाना है। तो क्या करना है, जब भी आप मच्छी एक बार अंदर चली जाए तो अपना ग्रिप यहाँ पे दीजिए, अपना ग्रिप देके इसको निकालिए, पूरा प्रेशर इसके ऊपर मत दीजिए, टूटेगा। तो बहुत लोग का हुआ है जो मुझे बताए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो सेफ्टी के हिसाब से बता के दे रहा हूँ। बाकी देख सकते हैं प्राइस आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, प्राइस वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लैंडिंग नेट आ चुका है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है हमारे पास, क्योंकि ये सब वही रहेंगे तो उसी लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। ओके, और इसमें तो बहुत सारा आया है, तो चलिए देख लेता हूँ मैं क्या क्या है। तो फर्स्ट हमें मिला है प्रो हंटर ब्राइडेड लाइन। प्रो हंटर का ब्राइडेड लाइन है या मोनो लाइन है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए प्रो हंटर, ओके ब्राइडेड लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइडेड लाइन प्रो हंटर का। और साइजस मैं चेक कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट पूरे साइज रहेंगे, जैसे 26 to 50 mm तक रहेगा। जो भी साइजेस है मैं पूरा चेक करके अपलोड कर दूंगा। और प्रो हंटर, तो चलिए इसमें देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ऑलमोस्ट रहेगा इसमें बहुत सारा आइटम। तो ओके, प्रो हंटर ओके,
ओके ओके ऑलमोस्ट वो प्रो हंटर ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या आया हमारे पास। और एक लाइन आया है जो, हाँ बराबर, ये वाला लाइन, ये वाला पिछली बार भी आया था, बहुत अच्छा रिव्यूज़ आया, उतने ज़्यादा बैड रिव्यूज़ भी नहीं आए, बेहतरीन चला। कम प्राइस में आपको आता है 500 मीटर, वाओ। पिछली बार आया था 100 मीटर का, इस बार आया है 500 मीटर, चलिए बढ़िया है। 500 मीटर स्पूल है, P8X का लाइन है, 8X का लाइन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आता है मल्टी कलर में, मल्टी कलर में आता है, और ब्राइडेड लाइन भी जो आप देख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ लाइन है। और MM के हिसाब से ये कितना MM दिया है, 8.0, तो MM 8.0 का मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर भी जो भी साइजेस रहेगा मैं चेक करके अपलोड कर दूंगा। 8.0 मींस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे, तो जो भी साइज है मैं दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मल्टी कलर में आता है, बेहतरीन लग रहा है। हाँ, ये आया था पिछली बार हमारे पास, लेकिन आया था 100 मीटर स्पूल, इस बार आया है 500 मीटर स्पूल। तो 500, ओके देखते हैं, यहाँ पे 100 mm दिया है, तो ये देख सकते हैं। फिर भी जिनको पता चल रहा है आप थोड़ा देख लीजिए, बाकी क्लियरली मैं वो अपलोड कर दूंगा कैटलॉग में। और ये सब वही है, ओके, ऑलमोस्ट वो सब वही है। तो थोड़ा मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि वो, अरे बाप रे, ओके चलिए बढ़िया है। उसके बाद हमारे पास आया है जो फेमस लाइन, फेमस हो चुका है स्वॉर्ड फिश, स्वॉर्ड फिश देख सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे स्टॉक शायद कम गेज में नहीं मिला। कम गेज मींस जैसे 30 mm मिला है, शायद 26 mm नहीं मिला, बाकी 30 mm 35 mm के ऊपर हर साइजेस मिले हैं। जैसे अभी ये निकला है 45 mm, चलिए 50 mm तक भी मिल जाएगा, बेहतरीन है, लेकिन मुझे कम गेज का लाइन नहीं मिला, क्योंकि ये फेमस हो चुका है, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत नाम लेके आ चुका है, तभी जाके स्टॉक जल नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, जो हाईएस्ट गेज में देख रहे हैं, जो हाईएस्ट गेज में जैसे 40 mm 30 mm के ऊपर लाइंस देख रहे हैं, आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि कार फिशिंग वाले बहुत लोग ब्राइडेड लाइन खेलते हैं, कभी भी मैं रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन खेलते हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो स्वॉर्ड फिश लाइन आ चुका है, और इसमें ऑलमोस्ट स्वॉर्ड फिश ही है, सब स्वॉर्ड फिश ही है, क्योंकि स्वॉर्ड फिश मैं बुकिंग करता हूँ, एक साथ बुक करता हूँ। और 37 mm, चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें 100 मीटर, अच्छा 370 मीटर में भी आया है ये वाला लाइन, जैसे मैं पहले बताया था 500 मीटर, और ये आया है 370 मीटर, 370 मीटर का है, प्लस mm 55 दिया है, शायद 50 है, क्या नहीं, पूरा मैं क्लियरली चेक कर लूँगा। तो इसमें दो मॉडल आए हैं, एक 500 मीटर और एक 370 मीटर, तो स्क्रीन पे हम क्लियरली प्राइस दे देंगे, 500 मीटर 370 मीटर, कंफ्यूज मत होइए, हम वहाँ पे क्लियरली देते हैं, प्लस कैटलॉग में, कैटलॉग में वहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ अपलोड करते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि दिखने में सब एक ही लगता है, लेकिन साइज प्लस वो अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर पे आते हैं तो बोलते हैं पिछली बार यही रील लिया था मैं, वो उतना कम था, ये आप अभी ज़्यादा बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है, जो प्राइस हम फिक्स करते हैं वही प्राइस रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो कभी भी आप जो भी ले रहे हैं अपना मॉडल याद रखिए, या तो उसका फ़ोटो पकड़ के रखिए, ताकि आपको याद रहे, आप भूल जाते हैं उसी लिए। तो चलिए ये हो गया, और इसके बाद हमारे पास फ्लोट्स आए हैं, फ्लोट्स जो पिछली बार मेरे पास अभी भी स्टॉक है, लेकिन उसमें ये स्प्रिंग नहीं आता है, लेकिन इसमें ये स्प्रिंग आता है, तो ये बहुत अच्छा फ्लोट होता है, जो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला मींस ऑटो फ्लोट खेलते हैं, ऑटो फ्लोट मींस इसका बहुत लंबा स्टोरी है, जो मैं समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसे शायद बहुत टाइम जाएगा, लॉन्ग टाइम जाएगा, कभी फ्री में मैं ज़रूर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा ये फ्लोट के बारे में, जो स्प्रिंग के लिए यूज़ करते हैं खासकर।
ये वाला आया है, जिनको पता है आप लोग ले सकते हैं ये वाला। और उसके बाद इसके नीचे और भी है, तो स्वॉर्ड फिश तो चलिए बढ़िया है। आज ही प्लेस यहाँ पे थोड़ा हमें मिला, तो इसी के लिए शायद मिला होगा वो, तो सब वही है। और इसके नीचे और ये एक बॉक्स है, देख लेता हूँ वो क्या है। ओके हाँ, प्रो हंटर का 305 मीटर, 305 यहाँ पे देख सकते हैं, 305 मीटर का प्रो हंटर का लाइन है, ब्राइडेड लाइन है, मोनो लाइन नहीं है। 305 मीटर आता है ब्राइडेड लाइन, कम प्राइस है, फास्ट मूविंग है, जिनको बजट में चाहिए उनके लिए बेहतरीन लाइन बोल सकता हूँ। बाकी इसमें साइजेस बहुत सारे हैं, उसके ऊपर भी बहुत है, मैं निकाल नहीं सकता हूँ, बस एक साइज बताया हूँ। जो भी साइज रहेगा प्राइस के साथ हम वो कैटलॉग स्क्रीन पे दे देंगे, चेक कर सकते हैं, बाकी कैटलॉग में देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार अभी ये एमएम में 305 एमएम मतलब 30 एमएम का लाइन है, 300 मीटर स्पूल है। चलिए मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 300 मीटर लाइन है और 305 मीन्स 30 एमएम का स्पूल है मैक्स, उतना ही। और बाकी साइजेस के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया, सब ब्राइडेड लाइन्स ही हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, ओके शायद बॉक्स उल्टा ओपन कर लिया हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं ये क्या निकलेगा। अच्छा ये क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं बुकिंग करता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता मैं क्या करता हूँ, यहाँ आने के बाद पता चलता है हाँ ये बुकिंग किया हूँ बोल के। हाँ शायद ये रैकर, बराबर ये रैकर है जो अपना स्टैंड, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, जो हमारा आप रैकर देख रहे हैं, जो हम रॉड्स रखे हैं, तो ऑलमोस्ट रॉड्स का रैकर है। और इसका फिटिंग आप ही को करना है, तो यहाँ पे पूरे स्क्रूज दिया है, स्क्रू और जो भी है सब यहाँ पे पार्ट्स दिया है। और एक इसमें कोटेशन भी है जो आप उसको देख के बना सकते हैं, तो मैं ये बताता हूँ। और फोटो के साथ हम क्लियरली उसको कैसे उसको ये करना है, बिल्ड करना है, बिल्ड करके क्लियर फोटो हम दे देंगे, वो चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ भी देख के आप उसको तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये रैकर है जो अपना रॉड सेफ्टी लिए रख सकते हैं। आप स्टोर वाले भी ले सकते हैं, या तो घर पे जो शौकीनदार हैं, ज़्यादा रॉड कलेक्शन है, आप लोग ज़रूर इसको लेके रखिए, अपना रॉड सेफ्टी से रहेगा। तकरीबन इसमें मैं काउंट कर लूँगा फिट करने के बाद कितने रॉड्स इसमें आएंगे, उस हिसाब से मैं आपको वहाँ कैटलॉग में क्लियर डिटेल्स दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत मेन है, ये आप रखिए, काम आएगा, बहुत काम आएगा। और बाकी इसमें बहुत सारे पीसेस हैं, तो मैं इसे निकालते निकालते बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं अच्छा सबसे बेस्ट है क्लियर फोटोज़ फिटिंग के साथ मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी समझ चुके होंगे, रैक मीन्स अपना रॉड सेफ्टी के लिए, रॉड रखने के लिए वो दिया है। तो चलिए कल मैं उसको फिट करके जो भी कुछ भी कलर्स या कुछ होए जो भी है मैं कल बता दूंगा। तो ये वाला ख़त्म, और उसके बाद आया हमारे पास, ये तो पहले से ही पूरा खुला हुआ है, तो ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन, पूरा पोच के साथ आता है, प्लस बेल्ट, अपना बेल्ट में यहाँ पे अपना बेल्ट में डाल के आप इसको रख सकते हैं, बहुत सेफ्टी चीज़ है और एक हथियार भी बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है, मिस मत करिए। बहुत मैं फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ 50 पीस लेके आया, जब मैं इसको देखा अभी थोड़ी देर पहले ओपन करके, तो बहुत ज़बरदस्त आइटम है जो ये है। तो चलिए दिखाता हूँ ये क्या है, एक अच्छे पोच के साथ अपना बेल्ट में आप इसको सेफ्टी से रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वाला, ये जो अपना ये जो दिया है
बट जॉइंट, और ये आप यहाँ पे फिटिंग भी कर सकते हैं, फिटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ग्रिपिंग है। प्लस यहाँ पे अपना वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरा डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। और इसमें इसमें ये जो दिया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले आपको एक ऑप्शन बताना है, वो मैं टाइट करके बता दूंगा, उसके बाद उसको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हो गया ये वाला, तो ये आपको यहाँ पे टाइट करना है, तो ये टाइट करेंगे, ये टाइट करेंगे तो यहाँ पे वो फिटिंग हो जाता है, तो अपना ये हो जाता है जैसे ये और भी टाइट होगा। ओके हाँ ऑलमोस्ट हो गया, तो ये हो गया अपना जो कीड़ा निकालते हैं या कुछ भी कीड़ा निकालते हैं, या फार्मर्स के लिए भी काम आ जाएगा जो घर पे जो अपना फार्मिंग करते हैं, आपके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिशिंग के लिए, अर्थवर्म निकालने के लिए, अपने घर पे जो फार्मिंग करते हैं जो पेड़ उगाते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, टू इन वन ऑप्शन बोल सकता हूँ, दोनों के लिए आपको काम आ जाएगा। और ये ऑप्शन हो गया जो मैं बताया हूँ मिट्टी निकालना, और सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे आपका वो वुड वुड कट करने के लिए आपको ये दिया है, ये भी काम आ जाता है। प्लस ये अपने सोच के हिसाब से आप इसमें काम करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, उसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और बाकी बाकी ये जो बताया मैं ऐसे लूज करने से ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। ओके तो ये हो गया अपना, ये मीन्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं खोद के, और यहाँ पे जो शॉर्ट एरियाज होते हैं प्लस अर्थवर्म, अर्थवर्म मीन्स जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो पूरा जाता है, तो शॉर्ट एरिया उसको लाइव रखना है तो सही से उसको निकालना है, तो उस वजह से ये वाला दिया है जो कॉर्नर से आप उसको निकाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है, थ्री इन वन ऑप्शन है, अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सेफ्टी के लिए भी रख सकते हैं। सेफ्टी के लिए बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट आइटम है, शॉर्ट मीन्स बहुत स्लिम है, पूरा फोल्ड होने के बाद आपके पॉकेट में आ जाता है, पूरा फोल्ड होने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फोल्ड होने के बाद बस एक पॉकेट जैसा है, पॉकेट जैसा है। तो चलिए ये आ चुका है, तो ये हो गया, और जैसे मैं बोला अपने बेल्ट में या अपने बैग में या पॉकेट में कहीं भी इसको आराम से रख सकते हैं, और इसका ज़्यादा वेट भी नहीं है, वेट के हिसाब से भी मैं दे दूंगा क्योंकि बहुत लोग वेट भी मांगते हैं, तो वेट भी करके मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, चेक कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद क्या, पहली बार आया है, अच्छा लगा देख के। और उसके बाद देखते हैं, वाह चिन्नू ओबामा, चिन्नू ओबामा फिर से रिस्टॉक हो चुका है, ऑलरेडी स्टॉक में है फिर भी फिर से रिस्टॉक हो चुका है चिन्नू ओबामा, ऑलमोस्ट पूरे साइजेस हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्राइस भी ऑलरेडी कैटलॉग में अपलोड है तो वहां पे देख सकते हैं। और एक यहां पे कुछ आया है, ओके हाँ ये भी रॉड रैकर है, ये भी रॉड रैकर है, जैसे आप यहां पे अभी मेरे स्टोर में देख रहे हैं जो रैक में लगाया हूँ, तो इसका नीचे का एक पोर्शन है और ये टॉप पोर्शन है जो आपका वो रॉड सेफ्टी करता है, और अपने वॉल मींस घर पर जो दीवार है अपने वॉल पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो शायद ये कहाँ पे है पता नहीं है, देख लेते हैं कहीं मिक्स है क्या, आया है तो एक दो नहीं आएगा, बहुत आएगा। तो ये हो गया अपना वॉल का पोर्शन, मीन्स ये नीचे आता है, ये वाला नीचे आता है, आप टॉप में, ये वाला टॉप में आता है, ये जो फॉर्म का दिया है अपने गाइड सेफ्टी के लिए, ये टॉप में आता है, तो अपना रॉड यहाँ पे आता है, टिप यहाँ पे अंदर में जाता है, जैसे आप वहाँ पे देखें तो इसमें तकरीबन 6 रॉड बैठ जाते हैं, तो 6 रॉड जो कम कलेक्शन रखे हैं आराम से 6 रॉड आप इसमें रख सकते हैं। समझ आइए अभी 7 फिट का रॉड है, तो 7 फिट साइज में इसको ये कीजिए करके इसको अपना रॉड सेफ्टी कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ है, उतना आसान से मिलने का चीज़ नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है स्टोर घर पर, तो बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता था अली एक्सप्रेस, उस समय मैं वहाँ से मंगवाया था,
तो अभी तक मेरे पास, क्योंकि ये टूटने का चीज नहीं है, एक बार अपना दीवार पे हैंग हो गया तो तकरीबन 10 साल भी कुछ नहीं होगा, वन टाइम इन्वेस्ट है। और जैसे इंपोर्ट कराते ये कराते बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये बहुत कम है, ले सकते हैं अपने कलेक्शन में सेफ्टी के लिए, अपना रॉड सेफ्टी। तो ये हो गया। और उसके बाद प्लेयर्स, प्लेयर्स इस बार ऑरेंज कलर में आया है, प्लेयर ऑरेंज कलर में आया है, लेकिन कैटलॉग में शायद ब्लैक कलर होगा या ब्लू कलर होगा, कुछ भी कलर हो सकता है, लेकिन मिलेगा ये कलर, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ बताते ही रहता हूँ, क्योंकि एक बार में एक कलर सेम नहीं आता है, और कैटलॉग में बात हम घुमा घुमा के वो एडिट नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसीलिए मैं क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। 120 का कुछ आता है, ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, 120 का है, याद आ गया। तो इसमें ऑप्शंस भी बताता हूँ, कम बजट का एक अच्छा प्लेयर है, जैसे अपना स्प्लिट रिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट रिंग चेंज, और यहाँ पे दिया है कटर, और ये जो होल दिया है, ये होल अपना हुक जब टाई करते हैं, टाई करने के बाद वहाँ पे आप उसको लगा के खींच सकते हैं, उसके वो ग्रिपिंग के लिए वो होल दिया है। तो तीन ऑप्शन आते हैं ये प्लेयर में, प्लस स्लिम है, देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसमें। ओके, इसके नीचे और कुछ है तो चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि पूरे मिक्स बॉक्स आ जाते हैं इसीलिए। ओके, और ये क्या है? अच्छा, प्रो हंटर ब्राइडेड लाइन इसमें भी आया है, तो ज़्यादा हम उसे ये नहीं करेंगे, तो चलिए इसमें बस इतना ही है। ओके, तो ये पहले से ही खुला हुआ है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या आया है। ओके, इसमें तो ऑलमोस्ट बहुत आइटम है, लेकिन वेट भी है, मैं हिला नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ। तो फर्स्ट हमें मिला है लिप ग्रिपर, तो चलिए देखते हैं कौन से मॉडल में आया है, जो कम प्राइस में एक अच्छे लिप ग्रिपर्स फास्ट मूविंग जो होते हैं वो वाले हैं। ओके, अच्छा, हाँ ये देख सकते हैं, जैसे बाकी जैसे हमारा लुकाना आता है उतना स्मूथ तो नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ये प्राइस रेंज के लिए ये सही है। और ये लिप ग्रिपर देख सकते हैं, इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, मीन्स हमारा लुकाना उतना फ्री नहीं आता है उसीलिए। तो चलिए मैं फिर भी, हाँ बातों में ये भी बताना भूल जाऊँगा, यह भी बता रहा हूँ, कीपिंग नेट आ चुका है, और इसका साइज भी देख सकते हैं, ये बहुत सारा है, आप कल बुकिंग कर सकते हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी हाँ, ये आ गया हमारा लुकाना का, जो बस मैं वही बोलता हूँ, क्वालिटी वाइज होता है, तो ये इतना स्मूथ है। तो उसके बाद हमारे पास आया है कटर, जो लाइन कट करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, कम प्राइस है, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ओके, ये शायद भेंड हो गया है, क्या मालूम, ने हो जाता है, फिर भी हम चेक करके ही डालेंगे, यही से नहीं आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वो एक। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, तो एक एक आ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी हम चेक करके ही डालेंगे, अगर वो डिफ़ॉल्ट है हम निकाल देंगे, बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ अंधाधुन वीडियो बनाता हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो उसे हम चेक करके ही डालते हैं। तो ये आ गया कटर बोलते हैं, जो लाइन कट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका प्राइस स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद और एक मॉडल आया है, इसमें ऑलमोस्ट 4 या 5 कलर आए हैं, तो यहाँ पे कलर देख सकते हैं आप, इसमें आपको मिलेंगे इतने कलर हैं, या और भी ज़्यादा हैं पता नहीं है। ओके, हाँ
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पांच कलर आए, तो पांच कलर तो देखते हैं ये क्या है, शायद चॉकलेट होगा, देखते हैं। तो ओके अच्छा प्लेयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी प्लेयर नहीं कटर, बाद से पहले प्लेयर आ रहा है, तो ये भी कटर है, तो यहाँ देख सकते हैं कटर, अपना लाइन कट करने के लिए कटर दिया है, प्लस सेफ्टी के लिए पोच भी दिया है, बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है, सेफ्टी भी है और स्लिम भी है, प्लस अपना पॉकेट जैसा कहीं भी उसको स्टोर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। तो चलिए ये हो गया, उसके बाद हमारे पास आए हैं बैरल्स रिवल, बैरल्स रिवल स्टॉक आ चुका है, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 1000 पीस का पैकेट आता है, तो इसे हमें लूज ही अपलोड करना है, पैकेट में 10 पीस कितने आएंगे वो काउंट करके हम कैटलॉग में दे देंगे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ बाकी प्राइस भी हम स्क्रीन पे दे देंगे, कितने पीस का कितना ये रहेगा, क्योंकि हमें इसे पैकेट अलग से बनाना है, वो बना देंगे। तो श्रीवल्स आ गए हैं, बैरल श्रीवल, और उसके बाद आया है हाँ रोलिंग श्रीवल, रोलिंग श्रीवल भी स्टॉक आ चुके हैं, ये भी कल अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, चाइनीज़ है लेकिन बहुत अच्छा है बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे खुद के कलेक्शन में ये है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बैरल श्रीवल तो वो एक्चुअली मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, खासकर वो कार फिशिंग लवर्स उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये चलता है हमारे स्नैक हेड्स के लिए, और सॉल्ट वाटर के लिए मत लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सॉल्ट वाटर में रेस्ट हो सकता है, फ्रेश वाटर के लिए ओके है, क्योंकि अनब्रांड है, प्लस क्वांटिटी ज़्यादा में आता है कम प्राइस में आता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया, और श्रीवल्स भी स्टॉक आ चुके हैं, ये देख सकते हैं नॉर्मल श्रीवल्स, जो अपने स्पून्स पे या कुछ भी आपके चॉइस के हिसाब से, जो हैंडमेड फीडर्स बनाते हैं उनके लिए, और जो फास्ट ट्रैक यूज़ करते हैं फास्ट ट्रैक, उनके लिए श्रीवल्स, तो श्रीवल्स भी आ चुके हैं। इसमें ऑलमोस्ट और भी बहुत है, तो देख लेता हूँ और कौन से मॉडल्स आए हैं हमारे पास। तो श्रीवल्स में ऑलमोस्ट एक 3 साइज आए हैं श्रीवल में, और इसमें ऑलमोस्ट रोलिंग श्रीवल में 2 टाइप आए हैं, तो दो टाइप के रोलिंग श्रीवल, जो साइजेस डिफरेंट हैं, और श्रीवल्स में 3 साइज में आए हैं, और इसका साइज एल भी मैं चेक करके अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया, और हाँ बैरल श्रीवल में हेवी साइज का भी आया है, बिग साइज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिग साइज है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तकरीबन बहुत बड़ा है, साइज के हिसाब से मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया, और इसमें और एक आया है हाँ फ्लाई रील, चलिए यहाँ पे कुछ ओपन था देख लेते हैं। तो फ्लाई रील जो मेटल में मीन्स देख सकते हैं मेटल में है, फुल मेटल, तो फ्लाई रील है, जो कम बजट के रॉड्स लेते हैं, जैसे 6 फीट का रॉड, 5 फीट का रॉड, टेलीस्कोप रॉड, उनके लिए बहुत बेहतरीन है कम बजट में। और बाकी हाँ ये अपना जब ये उठाते हैं तो फ्री हो जाता है, ये जो लॉक यहाँ पे दिया है, अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ये होता है, जैसे कॉस्टिंग के लिए दिया है फ्रीनेस के लिए, लेकिन उतना खास भी नहीं जाएगा, अपना हाथ में अपना काम चलाइए, बाकी छोटे मछलियों के लिए रिट्रीव के लिए ओके है। तो देखते हैं इसका प्राइस क्या है, अपलोड हो जाएगा लिंक पे स्क्रीन पे। तो इसमें और कुछ बस ऑलमोस्ट सब वही है, ओके डन। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आया है, उसके बाद ओके उसके बाद आया है रील्स जैसे इमोशी का जो अपलोड किया था ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, अभी सिर्फ 1-4 पीस बचे हैं, तो तुरंत खींचे ही बैक स्टॉक कर लिया, क्योंकि कम प्राइस है, प्लस थोड़ा फास्ट मूविंग होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। हाँ बिगनर्स मीन्स याद आया कॉम्बो का, ओके कॉम्बो के रील्स हैं ये, ऑलमोस्ट बहुत है, तो देखते हैं। तो ये आ गया बिगनर्स के लिए, और ये आता है
ग्राफाइट स्पूल, ग्राफाइट स्पूल आता है, ग्राफाइट बॉडी आता है, और इसका जो ड्रैग कैपेसिटी कुछ भी नहीं रहेगा, तकरीबन 1-3 किलो तक, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, और बाकी पूरा ग्राफाइट का आता है। और इसका जो ड्रैग सिस्टम है यहाँ फीचे पे आता है, फीचे आता है आगे में नहीं, जैसे अभी नॉर्मल रील्स आप देख रहे हैं वो आगे ड्रॉग आता है, ड्रॉग सेटिंग आगे में रहता है, लेकिन इसे रहता है यहाँ फीचे से। तो बटन सिस्टम का लॉक आता है, और अपना रील, रील कभी कभार खोलना है तो इसको खोलना है, बस ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए, वो निकल जाएगा, बस प्रेसिंग है, ये जो लाल बटन दिया है आपको उसको प्रेस करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे किए हैं सीधे उसको डाल के स्क्रू ड्राइवर में इसमें उसमें लेके उसको खोलने की कोशिश किए हैं क्या, मेरे स्टोर पे हुआ है, लेके आके ये नहीं खुल रहा है, देखिए बस मैं इसे प्रेस करके निकाल के दिखाया तो खुश हो गए, तो इसीलिए बहुत लोग को पता नहीं है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया, चलिए प्राइस जो भी है देख लेंगे, और मैं जैसे बोला उतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, कम प्राइस का रील है, और ये शायद कॉम्बो के साथ आया है, कॉम्बो के लिए आया है, लेकिन फिर भी बहुत स्टॉक है तो उस हिसाब से निकालते रहेंगे, जो जाएगा सो जाएगा। ओके, उसके बाद बस मुझे वो चेक करना है अगर बॉक्सेस में कुछ छूट ना जाए, कुछ मिक्स है उसी लिए। ओके, ये भी ऑलमोस्ट वही है, और ये पूरा टूटा हुआ आया है। ओके, और ये तो पहले से ही इधर से उधर फूटा हुआ है। ओके, हाँ इसमें और भी बहुत सारा आइटम है। तो ये आगे रॉड के गाइड्स, गाइड्स नहीं, आगे का टिप जो हर साइजेस में अवेलेबल है, जो ख़त्म हुआ था, बहुत लोग मांग रहे थे बड़े साइज में, तो आप लोग कल इसको बुकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर साइजेस में है, मेरे पास अभी वो सिर्फ टेलीस्कोप साइज के बचे हुए हैं, बाकी जो बिग साइज में ख़त्म हुए थे। और जैसे मैं बोलता हूँ सिर्फ इमरजेंसी के लिए मैं लेके आता हूँ, ऐसा नहीं कि फूजी गाइड्स हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन करते हैं बहुत लोग, तो मैं क्लियरली यहाँ पे समझाता हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हैं स्किप मत करिए प्लीज़, आप स्किप कर देते हैं व्हाट्सएप पे, आप वो इसी के बारे में 100 सवाल पूछते हैं, तो मैं उसी लिए यहाँ पे पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप ना क्वेश्चन कर सके, ना अपना टाइम आप बेकार कर सके, ना मैं मेरा टाइम बेकार कर सको, मेरी कोशिश वही है आपको क्लियरली समझ में आ जाए, लेना है नहीं लेना है, बस मेरी कोशिश है, थोड़ा फॉलो कीजिए। और जैसे मैं बताया सॉल्ट वाटर के लिए सब नहीं चलेगा, अगर इमरजेंसी आपको यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20 रुपीज़ का आता है इमरजेंसी, क्योंकि ये सब नहीं मिलने की चीज़ है, उतना जल्द नहीं मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं जो भी मिलता है वो ला के देने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में मत जाइए, टूटा है एडजस्ट करके खेलिए, इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे गाइड्स अच्छे टिप्स मैं ला के दूंगा, उस समय आप चेंज कर सकते हैं, तब तक आप इमरजेंसी के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके नीचे और भी बहुत सारा है, तो मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया। ओके, तो चलिए थोड़ा निकाल लेता हूँ। बाकी स्केल क्लीनर फिर से स्टॉक आ चुका है, आप लोग कल से इसको बुकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केल क्लीनर, तो क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो ये आता है स्केल, अपना मच्छी साफ करने के लिए ये वाला आता है, और बाकी कुछ फंक्शंस नहीं है इसमें, सिर्फ वो स्किल्स निकालने के लिए ये दिया है, और जितना हो सकता है अपना फिंगर इसको ग्रिप दे के वो काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत तीन में है, शायद अगर बड़ी मछली है आप ऐसे खींचते हैं तो भेंड होने का चांसेस है, अपना थंब दीजिए या तो अपना फिंगर यहाँ पे ग्रिप दीजिए, तब जाके आपको थोड़ा लाइफ आएगा। तो हर बार में कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आपको वो लाइफ आए, तो उस हिसाब से ये भी एक पॉइंट है आपका, ये फ्यूचर काम करने के लिए, बस अपना उंगली हाथ में दीजिए और स्किल्स निकालिए, बस आप ऐसे ही डाल के इसको खींचेंगे तो शायद ये भेंड हो सकता है। तो एक हैंगर भी है जो अपने घर पे कहीं भी स्टैंड में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया,
और उसके बाद वाव, लाइटिंग के फ्लोट्स आ चुके हैं। जो पिछली बार जैसे मैं वीडियो में बताया था, बुकिंग किया मैं लाइटिंग फ्लोट बोल के, लेकिन मुझे आए नॉर्मल फ्लोट। जो प्राइस भी मैं अब्जोर्व नहीं किया। चलो मैं खुद बोलता हूँ, मैं सोच के बुकिंग करता हूँ लाइटिंग फ्लोट, और मुझे उतना ज़्यादा वो जो भी मैं लेता हूँ वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करना ये सब मुझे नहीं आता है। वो क्या होता है, जितना मैं टेंशन में रहता हूँ मैं समझ सकता हूँ, उतना टेंशन उनको भी रहता है। तो इसीलिए मैं वो सोचता हूँ ज़्यादा टेंशन ना दूँ, जो है मेरे हिसाब से देख के ले लूँ। तो पिछली बार गलती से मुझे विदाउट लाइटिंग सिर्फ रेडियम का फ्लोट्स आ गए, जो 5000 कुछ क्वांटिटी में मंगाया था, लेकिन अभी भी पूरे स्टॉक मेरे पास है। तो चलिए, होता है, ऐसे तो सड़ने की चीज़ नहीं है, आज नहीं तो कल सेल होगा, किधर जाएगा। और लाइटिंग फ्लोट आ चुका है, तो ये भी बहुत क्वांटिटी में है, आप लोग आराम से बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग फ्लोट, और इसे एक स्लीव आता है, ओके, तो शायद दिख रहा होगा आपको, शायद दिख रहा होगा, ओके ओके, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स ज़्यादा है, उस हिसाब से नहीं दिखेगा। लाइटिंग फ्लोट है, आप ले सकते हैं। तो लाइटिंग फ्लोट भी आ चुके हैं, और उसके बाद ओके, ओके, इसमें और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ओके, हाँ, इसमें लेंथ फ्लोट आए हैं, जो 15 ग्राम में मुझे अभी एक ही दिख रहा है, बाकी ऑलमोस्ट पूरे इसमें 15 ग्राम ही है। तो 15 ग्राम के फ्लोट्स हमें यहाँ पे मिले हैं, देखते हैं, और एक बॉक्स है शायद उसमें होगा। और बाकी इसमें वही है, फिश क्लीनर और लाइटिंग फ्लोट्स। तो चलिए हटाते हैं इसे, ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट बॉक्स क्या आया है। हाँ, वाह, फ्लोट्स जो पिछली बार जो आया था फ्लोट्स, इस बार बहुत बेहतरीन आया है, थोड़ा बिग साइज़ में आया है। बहुत लोगों बता रहे थे 100 ग्राम वेट नहीं ले रहा है, तो इस बार 50 ग्राम तक वेट लेने वाला भी आया है, और 100 ग्राम वेट लेने वाला भी आया है। तो मैं एक क्लियर बताता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज़, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका साइज़। और इसे टाई करना पूछते हैं, टाई नहीं है, यहाँ पे एक होल दिया है। ये स्टॉपर के साथ आपको यूज़ करना है, ये ज़्यादातर हैवी बाइट जो यूज़ करते हैं उनके लिए, फीडर्स के लिए, उसके लिए ये चलता है। बाकी फ्लोट फिशिंग के लिए, नॉर्मल फिशिंग के लिए सब नहीं चलेगा, बहुत हैवी फ्लोट्स आए हैं। तो दो साइज में आए हैं प्राइस, बाकी डिटेल्स कैटलॉग में अपलोड कर दूंगा, चेक कर सकते हैं। और इस बार डिज़ाइन चेंज है, तो हम उसको सेपरेट से अपलोड करेंगे। और बाकी सब वही है। और इसमें 10 ग्राम भी आया है, तो 10 ग्राम 15 ग्राम आया है लेंथ फ्लोट में, जो रहू के लिए बहुत बेहतरीन होता है, जो लंबा वाला, मेरे पास राउंड वाला है, तो ये फिर से स्टॉक आ चुका है, शुक्र है सर। तो आज के लिए बस इतना ही है, जैसे मैं बताया था, रील्स, थोड़े एसेसरीज, ब्राइडेड लाइंस, ये सब आया है। तो देखते हैं इसमें से जो जो ज़रूरत है आप लोग इसको ले सकते हैं। तब तक कल मैं उसका तैयारी कर लूँगा, कॉम्बो का पूरा तैयारी करके मैं अपलोड कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कॉम्बो ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में मैं पूछा था, तो कमेंट्स सब मुझे ज़्यादातर कॉम्बो के ही आए, लेकिन जैसे मैं बोला 100 कॉम्बो काफ़ी नहीं है मेरे लिए एक अपलोड में, तो मुझे सबको देना है। तो मैं सबको एक 3 सेटअप बनाऊँगा, जो लो रेंज, मीडियम, हाई रेंज, 3 सेटअप बना के मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला के देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।